उस्मान, ये भेड़ खास तौर पर चंगचुओं के लिए पाली जाती है। असली चंगचू ही इसके हकदार हैं। ए, शुक्रिया शुक्रिया शर्फ बख्शा नायमान। शुरू करो। फिक्र की जरूरत नहीं, मुसलमान कसाई ने काटा है इसे। हाँ शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बताओ फिर, मेरे मुसलमान होने से मसला क्या है तुम्हें? एक फर्माबरदार मुसलमान कोई मसला नहीं है मेरे लिए, एक आसान शिकार है बस। तो वो गजन खान? हकीकत यह है कि तुम्हारा हुक्मरान मुसलमान है, क्या वो तुम्हारे लिए मसला है? मैं जिसकी क्यादत करता हूं वो मुसलमान हो सकता है, लेकिन मेरे ऊपर वाला नहीं। हसन खान ने एक इंतखाब किया, वो उसकी कीमत अदा करेगा, और तुम जो इंसान मुसलमान नहीं है उसकी खिदमत करने जा रहे हो, क्या तुम इस बात से मुतमईन हो? मेरा मकसद सिर्फ अपने लोगों की हिफाजत करना है, और उनकी हिफाजत के लिए मैं हर उस शख्स की खिदमत करने को तैयार हूं जिसकी खिदमत करनी पड़ेगी। अब तुम बताओ जरा, तुम्हारा क्या है मकसद? गजन खान के बारे में क्या इरादा है? इससे दूर रहना ही मेरे लिए काफी है। मैं अपने रास्ते पर चलूंगा, और मैं देख रहा हूं कि रास्ता रियासत की तरफ जाता है। मैं रियासत बनाने जा रहा हूं उस्मान। रियासत यहां? रियासत कायम करना बहुत मुश्किल है, तुम्हारी उसके लिए मंसूबाबंदी कैसी? ताकत हथियार है, ताकत सोना है, लश्कर आ रहे हैं, सोने और तलवारों से भरे कारवान भी, और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। वो मुझे ताकतवर बना देंगे, बहुत ज्यादा ताकतवर। उसे इस्तेमाल करके मैं रियासत बनाऊंगा। क्या हमें हमारा हिस्सा मिलेगा तुम्हारे सोने से? तुम बस मेरे वफादार रहो उस्मान, खिदमत करो मेरी, समझे? तो सोना भी तुम्हारा, तलवारें भी। शुक्रिया शुक्रिया। तो उस सूरत पहली खिदमत के तौर पर तुम्हें खबरदार करता, कोई कबीला नहीं सुनेगा तुम्हारी, वो तुम्हारे कारवान पर हमला करेंगे। सरहदें महफूज नहीं है, ये ऐसी ही है। कारवां पर हमला करेंगे वो। कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता उस्मान। तो चलो ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। कमांडर नायमान, कारवान पर हमला हुआ है जनाब। तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ उस्मान? चूंकि यह सरजमीन मेरी है नायमान, मैंने तुम्हें बताया, वो मैं हूं जो यहां की हर चीज के बारे में जानता है। अब तुम यही देख लो कि तुम अपना एक कारवां खो चुके हो। हम अगर कारवां पर हमला किया जाएगा उसके बारे में एक कमांडर ही जान सकता है। अगर तुमने मेरे साथ काम किया 10 गुना ज्यादा कमाओगे। तुमने ठीक कहा, बिल्कुल कारवां पे हमला हो सकता है। आज से मेरी हिफाजत तुम करोगे। हाँ ऐसा ही होगा।
इस कारवां के मसले से पहले रियासत की बात कर लेते हैं। मुझे बताओ जरा, सोने की और हथियार की बात हो गई, लेकिन हमें सिपाहियों की भी जरूरत है। लोग कहां से आएंगे, ये कैसे हो? तुम्हारे ख्याल में रियासत ऐसे बनती है? हाँ उस्मान, हमने इसके बारे में सोचा, हमने इस पर अमल किया। मैं कबाइल से मुसलमान बच्चे जमा कर रहा हूं, हम उनकी तरबियत करेंगे, वो मेरी खिदमत करेंगे। इस बात से तुम परेशान नहीं होते? मेरे कबीले में जब तक तुम कदम नहीं रखोगे, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जो कहीं ना कहीं मेरे दुश्मन है वो साथ नहीं होते मेरे। अब से सभी को अकेले चलना होगा। उस्मान, 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 हम मिलकर एक अजीम काम करेंगे उस्मान। तारीख भी हमें हमेशा याद रखेगी। क्या तुम अकेले ही रियासत कायम करोगे? मेरे पास तुम हो। ए, शुक्रिया शुक्रिया, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे कबूल किया, लेकिन इस बारे में बात नहीं कर रहा। वैसे क्या तुम्हारा कोई भाई भी है या कोई और दोस्त वगैरह? बताओ मुझे भी। ये बताओ कि तुम क्या जानना चाहते हो? अगर हम दोनों एक साथ चल रहे हैं और तुम्हारी भी हिफाजत करनी है मुझे, तो मेरे लिए जानना जरूरी है कि कौन कौन हमारे साथ है। तुम सवालात बहुत करते हो उस्मान, अभी के लिए इतना काफी है। अगर तो ऐसा है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक खदशे के बारे में बताना चाहता हूं। ऐसा है कि मैंने यह सुना है कि तुम्हारे लश्कर में बगावत करने की कोशिश की जा रही है। तुम ये क्या कह रहे हो उस्मान? हकीकत है ये, हकीकत। तुम मेरे लश्कर को अभी जानते नहीं हो, लेकिन तुम जान लोगे। कमांडरों को अंदर भेजो। मेरे कमांडरों, उस्मान कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी बात से इत्तफाक नहीं रखते। हर एक सिपाही की सदाकत नायमान के साथ है। लश्कर सिर्फ मानने वालों पर मुश्तमिल है, कोई शक नहीं है नायमान। तुम्हारे कमांडर जानते हैं लश्कर के तमाम सिपाहियों के बारे में, फर्दन फर्दन जानते हैं, रहनुमाई करते हैं उनके और यकीन रखते हैं हर सिपाही पर। तुम्हें उनकी सदाकत का यकीन नहीं है क्या? क्या होगा अगर गजन खान एक खत भेजे तुम्हारी तरफ और हुक्म दे कि अपना लश्कर छोड़ दो? ऐसी सूरत में क्या करोगे? हम नायमान के वफादार हैं। तुम देख रहे हो उस्मान? लेकिन मैं जो देख रहा हूं यहां पर वो ये है कि सिर्फ क़यादत करने वाले ही वफादार हैं, लेकिन सिपाहियों का क्या? क्या करोगे उनका? एक कील एक नाल के लिए और नाल घोड़े के लिए और घोड़ा सिपाही के लिए
और एक सिपाही बहुत अहम होता है फतह हासिल करने के लिए और बगावत के लिए। मुझे यकीन है उस पर जो मैंने कहा। इस लश्कर में बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। अपना ख्याल बदल लेना आसान नहीं है। वैसे ऐसा ही कर रहे हो, बल्कि तुम जब तक खुद अपनी आंखों से नहीं देखोगे तुम्हें यकीन नहीं आएगा। ठीक है, एक अच्छा कमांडर सिपाहियों की हर बात सुनता है। चंगेज के बाद से ऐसा ही हो रहा है। मुझे बताओ आपका क्या मसला है, बोलो। खामोश क्यों हो तुम सब, ये कहे बगैर मर जाओ। ये तुम्हारा मसला है, हमारा नहीं। हम यहां क्यों आए हैं नायमान? इसे बोलने दो, मुझे बताओ। हमने आपकी पैरवी की क्योंकि गजान खान ने अपना मकसद भुला दिया था, लेकिन आप नहीं भूले नायमान। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। क्या तुम हमारे दुश्मनों से मुख्तलिफ नहीं हो, बताओ? तुम क्या कह रहे हो? सुना है तुम मुसलमान हो गए हो। सारी फौज यही कह रही है। मैं मुसलमानों के साथ काम कर रहा हूं, यह सच है। और यह भी सच है कि मैंने मुसलमान सरदार की खातिरदारी की, लेकिन मैं मुसलमान नहीं हुआ हूं। शमन, रस्म शुरू करो। वो तीन सिपाही जो बोले उन्हें माफ कर दिया जाएगा। वो बुजदिल जिन्होंने बगावत की कोशिश की और एक अल्फाज भी नहीं कहा, उन्हें करारगाह के दरमियान लटकाया जाएगा। जो अजीम कमांडर नायमान का हुक्म,
का तुम्हें कैसे पता चला? क्या मेरे लश्कर के बीच में तुम्हारे जासूस हैं? मैं भी तो हिस्सा हूं इसका, और मैं जानता था इस बारे में पहले से। जब तुम मेरे कबीले आए थे और शेख अदाबाली से गुफ्तगू हुई थी और तुमने मेरे बेटे ओरहान का इलाज करवाया, तो ये अफवाह उसी वक्त ही फैल चुकी थी, मगर उभर कर अब सामने आई है। मैंने खबरदार किया था। एतमाद मुश्किल से कमाया जाता है, आसानी से खो दिया जाता है। खैमे में आओ। क्या आपको कुछ और चाहिए उस्मान साहब? नहीं, बहुत शुक्रिया। चंगेज खान की मोहर, वो मोहर हमारे पास है। मेरे भाई तालाई के पास है वो मोहर। उस मोहर वाला हर खत हुकुम के तौर पर कबूल किया जाएगा। तमाम मंगोल सरदार और खान मेरे परचम तले मुत्तहिद हो जाएंगे। तुम रियासत के कायम के ख्वाब में ही डूब जाओगे। अगर तुम मोहर ना हुई तो जो रियासत कायम करोगे तुम्हारी कब्र होगी, और वो इसलिए ताकि मेरी कायम करदा रियासत तरक्की कर सके। उस्मान वहां है, उसे अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। रुको, चलो चलकर पता लगाते हैं। तुम दोनों इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? इधर आओ जरा। आ जाओ जरा। आ जाओ। हट जाओ आगे से। कमांडर नाइमान। नायमान के लिए खबर लाया हूं। मेरा सोना कहां है? मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे लिए सोने से ज्यादा कीमती चीज लाया हूं कमांडर नायमान। वो क्या है? उस्मान साहब। उस्मान के बारे में क्या? गद्दारी का मंसूबा बना रहा है। वो मालूमात हासिल करने के लिए आपके करीब है। वो अब भी आपका सर चाहता है। उस्मान, जानते हो ना कि मैं यहां क्यों हूं? ऐसा ही है ना?
कुफार की आग बुझाने के लिए। चलो चलो उस्मान को ढूंढो। उस्मान कहाँ गया? इसे ढूंढो, जल्दी उस्मान को पकड़ो, पकड़ो उसे। वो कहाँ है? उसे फरार नहीं होने देना। जल्दी करो, ढूंढो उसे। उस्मान फरार हो गया है, वो भाग गया। पास लाओ। तुम खत्म उस्मान। उस्मान फरार हो रहा है, उस्मान फरार हो रहा है, फरार हो गया वो। इसीलिए उसने कहा वो मरने से पहले मोहर ताली को दे देगा। लश्कर ताली की हिफाजत कर रहा है। उस मोहर की मुझे बहुत जरूरत थी। उस मोहर के साथ सदरान को खुदूत लिखने वाला था। तमाम लश्कर मुत्तहिद हो जाएंगे और दुश्मन को निस्तो नाबूद कर देंगे। उस्मान ये जानता है, वो मेरी जगह लेने की कोशिश करेगा। सब लोग जाओ और उसे ढूंढो। उस्मान कभी मशरिक की तरफ नहीं जाएगा। कमांडर, आपका क्या ख्याल है? मैंने वादा किया था, अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। उस्मान आ रहा है। अब पीछे नहीं हटेंगे। मुझे उस्मान की जान चाहिए। क्या तुम सब तैयार हो? हम तैयार हैं। चलो। सरदार वो हमें घेरे हुए हैं। एरलिक खान हमारे रहनुमा हैं। जंगें हमारी शादियां हैं और तुम हमारे शिकार हो उस्मान। जनाब, इन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हम घोड़ों की मदद से इनकी तवज्जो हटाएंगे और अपने लिए ढाल बनाएंगे। चलो जवानों, तैयार हो जाओ। क्या जनाब? चलो सिपाहियों,
चलो। घोड़े खत्म हो गए। चलो आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारी जान और खून मेरा है उस्मान, तुम मरोगे। मरना मुश्किल होता है मगर जान लेना आसान है। आ जाओ आगे, आ जाओ, इंतजार करो, अभी नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं। मकसद की खातिर मरते हैं और तुम, तुम्हारी मौत कोई मानी नहीं रखती। इधर आओ, आ जा। ऊपर उठो ना, बैठो यहां। नायमान तुम्हें इसी जमीन में दफन करेगा। नायमान भी तुम्हारे पास जल्द आ जाएगा, उस वक्त उससे पूछ लेना, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो उसके साथ भी हुआ होगा। ऊपर उठो, जरा उठो। हम सबको मौत आनी है मगर एरलिक खान, हर कोई मौत का मजा जरूर चखेगा, हम सब इसमें शामिल हैं।
मगर हमारी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि हम लोगों को मौत जब आए तो हम अपनी सरजमीन में दफन हो, और उससे होगा ये कि वहां हमारे मासूम लोग महफूज रहेंगे। मगर तुम जैसे लोग सोच समझ कर वहां कदम रखेंगे, क्योंकि वो बहादुरों की सरजमीन है। तुम्हारा वक्त आ गया है। कमांडर नायमान और हान आ गया है। खुशामदीद उस्मान के बेटे। मैं देखने आया हूं तुम अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं नायमान। क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे? बोनूर, अपने कुछ सिपाही अपने साथ ले जाओ। तुर्गुत और उसके सिपाही जैसे ही तुम्हें मिले तो ये उनके हवाले कर देना। जो हुक्म जनाब। बाइंदर, बाइंदर नायमान के साथ है, ताकुब करते रहना उसका। वो कहां जाता है, क्या करता है, उसकी हर कदम का हमें इल्म होना चाहिए। जनाब, ताकुब करने से कुछ मिलेगा? बाइंदर गद्दारी कर रहा है, मगर जान लो कि इस काम में अच्छाई छुपी है, हम इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। चलो, जिम्मेदारी ठीक से निभाइए, हम जैन शहर जा रहे हैं।
वजीफा हासिल करोगे उस्मान के बेटे। हर शर में खैर होती है नायमान, शायद तुम ही वसीला हो। शायद ये हमारी दोस्ती का सबब बने। शक की जरूरत नहीं, ऐसा ही होगा। शक करने पर मजबूर हूं मैं। मेरा जिस्म ठीक हो गया लेकिन मेरा हाथ, कहीं मुझे अपना मोहताज तो नहीं बनाना चाहते? बल्कि ये भी तुम्हारी चाल ही ना हो। बताओ मुझे, तुम बहादुर हो लेकिन अहमक भी हो। क्या इसे खेमे में ले जाए कमांडर नायमान? ये अपने आप को भेड़िया समझता है। ठंड भेड़िए का इलाज है, सर्दी में रहेगा शिफा पाएगा। उस्मान, उस्मान। खैर तो है मलहून, कोई बुरी खबर है क्या? औरहान लापता है, पता नहीं कहाँ चला गया और किसी को भी नहीं मालूम वो कहाँ है। हमने यानी शहर के इर्द गिर्द सिपाही भेजे हैं लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा। अलबत्ता अलाउद्दीन ने एक दरवेश के साथ उसे देखा था। तो आप उसे कहीं पर भी ढूंढ नहीं सके, यही बात है? तो आप जानते हैं औरहान कहां है? औरहान अपना फर्ज निभा रहा है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम बहुत परेशान थे। अगर ऐसा है तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? ये कैसा फर्ज है कि आप छुपा रहे हैं हमसे? परेशानी की कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, मुझे भी अभी ही खबर हुई है। जनाब कोई आ रहा है। बेटा खैर तो है? नायमान, वो आज मेरे पास यानी शहर आया था। तुम क्या कह रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं बाबा, नायमान ने मेरा इलाज करने का कहा। हाँ? उसने इलाज के लिए मुझे करारगाह बुलाया है। मुझे सबसे बढ़कर अपनी सेहत की फिक्र है, उससे बढ़कर कुछ चाहता हूं। क्या चाहते हो बेटा, बताओ जरा, क्या चाहते हो, क्या है? हा? मेरी इस बीमारी की वजह से आपकी रियासत के कयाम में कोई रुकावट ना आए। अगर मैं नायमान के पास गया तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। अब
अगर तुम्हारा दिल हमारे मकसद से जुड़ा रहेगा तो तुम्हारी सेहत भी ठीक हो जाएगी और ये सारी दुनिया भी तुम्हारी होगी। देखो मेरी तरफ, देखो बेटा, ये एक फर्ज है और तुम्हें इसे लेकर मोहतात रहना होगा। ये जंग तुम्हें मुबारक हो। मुबारक हो जनाब। नयमान की तरफ गया है। नयमान ने उसका इलाज करने के लिए बुलाया है। ये आप क्या कह रहे हैं उस्मान? हम नहीं जानते वो उसके साथ क्या करेगा। आपने उसे कैसे जाने दिया? मलहुन दुरुस्त कह रही है, ये भी तो हो सकता है। नयमान और हान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। तो औरान के बारे में क्या ख्याल है? आपने अगले इकदाम की मंसूबा बंदी की? आइए इसे मार देते हैं कमांडर नयमान। ये लड़का हमारी मदद नहीं करेगा। नहीं, ये मेरी रहमत की आखिरी अलामत है। ये जिंदा रहेगा, ये शिफायाब होगा। भूखा कुत्ता अपने मालिक को भी काट लेता है। सबसे पहले आपको खिलाया जाएगा, इसके बाद मैं इसका फर्ज भी आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा। चलो खेमे में जाओ। जो आपका हुक्म कमांडर नयमान, लेकिन जरा रोजे से हूं मैं। सोना आखिरत में तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम ये सब जानते हो। जाओ बाइंदर, जाओ। हमने करारगा को चारों तरफ से घेर लिया है। जैसा कि उस्मान साहब ने कहा, अगर कुछ गलत हुआ तो हम हमला करेंगे। हम और हान साहब को बचाएंगे। क्या उस्मान साहब को अपने बेटों की वजह से डर नहीं लगता? अगर किसी आदमी के चेहरे पर जंग के निशानात ना हो तो उसे भेड़िया नहीं समझा जाता। तुम ठीक कह रहे हो आयकुत। आपने जरूर कुछ सोचा होगा ए वल्ला। लेकिन नयमान और हान से क्या चाहता है? उसने एक बार पहले भी किया था, अब वो दोबारा उसका इलाज क्यों कर रहा है? वो आखिर क्या चाहता है? जिस वजह से वो मुझे चाहता है और हान को भी उसी वजह से चाहता है। वो उसे हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, उसे उसको साथ मिलाना है। मैंने जब साथ नहीं दिया उसका तो बुरहान से तवक्को है उसे। आखिर आपका क्या मंसूबा है जनाब? औरहान को आंखें खुली रखना होंगी। नयमान के मंसूबे का कुछ हिस्सा तो जानता हूं मैं, जो रह गया वो औरहान मालूम कर लेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी रियासत का बढ़ता हुआ चनार का दरख्त। यकीनन आप ठीक कह रहे हैं उस्मान। औरहान के साथ कुछ बुरा हुआ तो क्या होगा? ये बताइए जरा, जब मैं नयमान की करारगाह गया था तब भी आप लोग ऐसे ही फिक्रमंद थे? और हान बिल्कुल मेरे जैसा है। मेरा बेटा और हान बाप के नक्शे कदम पर चलेगा,
और हम जैसे आज तक आग का सामना करते हुए आए हैं, अब ओरहान करेगा। हरगिज फिक्र मत कीजिए, वो जरूर कामयाब होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे एक होशियार भेड़िया भेड़ पर हमला करता है। और अब असल मसाला कुछ और है, और ये मसाला बहुत ही अहम है। महंगी खातून को यहां आने की खबर दीजिए। अफ्तार हम लोग करेंगे सब एक साथ मिलकर, और अहम मामलात पर गुफ्तगू भी करेंगे। चलो